भाई ने सवाल किया है कि अहले हदीस शैतान के अंडे से पैदा हुए, तो फिर आप लोग अहले हदीस की दावा क्यों लेते हैं? अब ये कौन सा साइंस है मुझको नहीं मालूम। ये तो समझ में आता है कि बहुत सारे जानवर अंडों से, मुर्गी से, चूजे निकलते हैं, तो अहले हदीस अंडों से नहीं निकलते हैं। अभी भी किसी को देखना है तो उनको देख सकते हैं कि भाई डॉक्टर से पूछें आपने इनको अंडे से निकाला कैसे निकाला। जितने भी अहले हदीस पैदा हुए हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट देख लें, उनके जो डॉक्टर जिंदा होंगे उनसे पूछ लें, ये कोई भी इसमें से अंडे में से नहीं आया है। अब ये कौन सी रिसर्च है मालूम नहीं कि अंडे में से एलिडिस निकले हैं, इस तरह की कोई बात सही नहीं है। और अगर निकले भी हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए अंडे में से निकले हैं, अंडे में से निकल के अगर अल्लाह की और रसूल की बात कर रहे हैं तो आप मानिए ना, चाहे अंडे में से आए या कहीं से भी, आसमान से उतरे, जमीन से, सुराख से निकले, कहीं से भी आए, कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम क्या है? आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात से मतलब है ना। अंडे से निकल के भी देखिए इतनी ताज्जुब की बात है कि मुर्गी अंडे से निकल के कुरान और सुन्नत की बात नहीं करती, अहले हदीस कितना लायक है कि अंडे से निकल के भी कुरान सुन्नत की बात करता है। आपको तो ताजुब करना चाहिए कि अंडे से निकली हुई मखलूक कुरान और सुन्नत की बात कैसे कर सकती है, तो इसको तो करामत मानना चाहिए अहले हदीस कि अंडे से निकल के कुरान और सुन्नत।